हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बालाकोट में 292 चरमपंथियों की मौत के दावे का सच क्या है? बालाकोट में स्थानीय निवासी अब्दुर्रहमान के मुताबिक क्या यह हमला उनके घर से 4 किलोमीटर दूर हुआ था। सोशल मीडिया पर एक कथित व्हाट्सएप चैट के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बालाकोट में हुए भारतीय वायुसेना के हमले में 292 चरमपंथियों की मौत हुई थी। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप में इस कथित बातचीत के स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया है, उन्होंने यह दावा किया है कि बातचीत उनके किसी भारतीय दोस्त और बालाकोट में रहने वाले डॉक्टर एजाज नाम के किसी शख्स के बीच हुई है। अधिकांश लोगों ने इसी दावे के साथ 3 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि जिस शख्स का नाम स्क्रीनशॉट में दिख रहा है वो बालाकोट में ही डॉक्टर है और जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई थी वो घटनास्थल के पास मौजूद थे, इसीलिए वो मृतकों का सही आंकड़ा बता सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस चैट पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। पात्र 1, अरे भाई यह क्या है, कल जो एयर स्ट्राइक की है इंडिया आर्मी ने, यह सच्ची खबर है या मीडिया यूं ही दिखा रही है। पात्र 2, जनाब एयर फोर्स ने कुछ प्लेन घुस गए थे बालाकोट और नजदीकी एरिया में, पर यह गलत है ना LOC क्रॉस करना, खैर अल्लाह रहम करे। पात्र 1, हाँ कुछ 12 प्लेन गए थे, पर यार पाकिस्तान का जैशे मोहम्मद हमला करवाता है तो इंडिया जवाब तो देगा ही ना, और भाई यह बताओ कितने लोग मारे गए। पात्र 2, भाई कोई लोकल नहीं मारा गया, जो मारे गए वो चरमपंथी थे, हम खुद इनसे परेशान थे। इसके बाद की कथित बातचीत का हिस्सा यह है कि जिसे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में ज्यादातर साधारण गपशप है, लेकिन इसमें से कुछ तथ्य और आंकड़े देने की कोशिश की गई है। इस स्क्रीनशॉट में मृतकों की संख्या तकरीबन उतनी ही बताई गई है जितनी भारत के कुछ मीडिया चैनल अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी रविवार को इस हमले में 250 से ज्यादा चरमपंथियों के मारे जाने की बात कही थी। भारतीय वायुसेना प्रमुख BM धनोआ ने सोमवार को कहा कि हमले में मारे गए लोगों की संख्या गिनने का काम वायुसेना का नहीं है, वायुसेना को जो लक्ष्य दिए गए थे वह उन्होंने हिट किए। भारतीय सरकार के आधिकारिक तौर पर इस हमले में मारे गए लोगों की संख्या पर कोई बयान जारी नहीं किया है। जिस व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर लोग 292 चरमपंथियों के मारे जाने की बात को सही समझ रहे हैं वो दरअसल एक गफा हुआ फेक मैसेज लगता है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि इस पाकिस्तान के बालाकोट कस्बे में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है ही नहीं। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर प्रांत के मानशेरा जिले में है। यह कस्बा सिंधु घाटी सभ्यता के 4 प्राचीन तटीय इलाकों में से एक है और कुनहर नदी के तट पर बसा हुआ है। पाकिस्तान में पर्यटक ने कई काफी लोकप्रिय बालाकोट देश की राजधानी इस्लामाबाद से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाकिस्तान की मेडिकल व डेंटल काउंसिल के अनुसार बालाकोट कस्बे के लोगों के लिए जिससे नजदीकी सरकारी मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में स्थित है। भारतीय वायुसेना से मंगलवार 26 फरवरी को जब बालाकोट के पास बम गिराए गए तब वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों से सबसे पहले बात करने वाले BBC के सहयोगी MJ जर्नल को भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने BBC संवाददाता प्रशांत चाहल को बताया, बालाकोट में कई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, बालाकोट में सिर्फ एक बुनियादी हेल्थ यूनिट है जिसे एक डॉक्टर होता है और कुछ स्टाफ के लोग होते हैं, जहां मरीजों को भर्ती करने की सुविधा ना के बराबर है। जनरल बताते हैं, हमले के बाद हमने बालाकोट मानसेरा और गढ़ी बुबला के बुनियादी हेल्थ यूनिट जाकर देखे थे, लेकिन वहां कोई घायल आदमी हमें नहीं मिला। यह सभी हेल्थ सेंटर हमले की जगह से करीब आधा घंटा दूरी पर स्थित हैं। पाकिस्तान के पंजाब से वास्तव रखने वाले पत्रकार सिराज हसन ने ट्विटर पर इस वायरल संदेश का यह कहते हुए मजाक उड़ाया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और घायलों जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, इस मोदी भक्त के सबूत के अनुसार बालाकोट के एक बालाकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है और खुद PM मोदी इस भक्त को फॉलो करते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।